मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। एक छोटे से गांव में छोटा सा परिवार रहता था। इसमें माँ और बाप और बहनें भाई रहते थे और इसमें से नुसु और आसिमा रहती थी और सवेरे 10वीं जो कक्षा पढ़ती थी नुसु और आसिमा वो उनके साथ छोटी बहन थी। जब सवेरा उठी तो वो आगे 5 बजे से उठना था तो ट्यूशन पे जाती। ट्यूशन बहुत दूर रहता था और नुसु से बोलती कि दीदी दीदी मैं भी आ जाती हूँ। वो बोलती मना कर देती थी, नहीं तुम जाके सो जाओ। और माँ भी उठ के देखती थी कि कहाँ जा रही है नुसु, पढ़ाई में तो बहुत चालाक थी। और आसिमा बोलती माँ मैं जा रही हूँ माँ। नुसरत अपी के साथ माँ बोलती कि अच्छा बेटा तुम चले जाना और साथ में कुछ खा के जाना। और पैदल जाना पड़ता था, पैदल जाके पढ़ाई करने पड़ते थे। और शाम के वक्त 5 से 5 बजे स्कूल का देखना और उसके साथ ट्यूशन, क्योंकि मैथमेटिक्स था। मैथमेटिक्स में नुसरत तो बहुत ही चालाक थी, सबको पीछे छोड़ देती थी और सबसे अव्वल वही आती थी। और माँ का ध्यान रखने वाला वहाँ पर कोई नहीं था। कभी कभी माँ को चक्कर भी आती थी क्योंकि बीपी जो थी, तो कभी कभी आसिमा को देखना पड़ता था माँ को। और नुसरत हमेशा अच्छी अच्छी बातें बोलती जो सबको पसंद आ जाए परिवार में, और सबकी हमदर्दी थी। और वो जब भी काम करती तो सबका ध्यान रख के सबको अच्छे अच्छे खाने खिलाती थी। और मुझे बोलती कि आसिमा तुम जाना और माँ का ध्यान रखना। ठीक है दीदी, मैं ऐसे बोलती और उसके बाद वहाँ से ट्यूशन पे चले जाती। और ट्यूशन में सबसे अव्वल मेरी दीदी ही थी, और जो पढ़ाई करती थी बहुत अच्छी तरीके से। यहाँ से यहाँ तक टीचर भी बोल देती थी कि तुम आज क्लास ले लो मेरी बहन को। और शाम में ट्यूशन लेती थी, ट्यूशन में साथ मुझे भी बिठा लेती थी बच्चों से पढ़ाई करने के लिए, और मुझे भी फीस मिल जाती थी महीने में। और उन दोनों बहनों की मैं ही फीस लेके आती थी, क्योंकि इन दोनों बहनों जाके पढ़ाते थे मगर और फीस लेना जानते नहीं थे। माँ की कभी कभी हालत तबीयत ख़राब हो जाती थी और उसमें उनको थोड़ा सा काम करने में नहीं होता था, और घर के काम सारे आके नुसु संभालती थी स्कूल के जाने के बाद। स्कूल का काम करने के बाद जब भी बारिश आता तो बड़े बड़े से ड्रम उठा के बैठ जाते थे माँ और नुसु दीदी, और सारे बच्चों के कपड़े धो देते थे। मुझे आज भी याद है कि वो क्या करते थे काम, और घर का काम और बाहर का काम, और तो और सारे यहाँ पर पड़ोसियाँ दिख रहे हैं उन घरों का काम भी कर लेती थी, क्योंकि पड़ोसी होते हैं तो इसलिए कर लेती थी। इतना अच्छा लजीज खाना बनाती थी और साथ ही साथ मुझे भी पकड़ के सिखाती थी, एकदम मज़ा आ जाता था और मैं मौज मस्ती में ज़बरदस्त थी। और माँ जब भी काम करने के लिए बोलती, कौन सा भी काम, हम लोग हमेशा कर देते थे, उससे मना कभी नहीं करते थे, क्योंकि माँ के चहते बच्चे थे हम, माँ और बाप के। और जब भी मुझे काम बोल देते थे तो सारा काम मैं निपटा देती थी, और मेरी बड़ी बहन भी सारा काम करके बैठ जाते थे हम लोग। और इससे हमें ये मिलता है जो परिवार
होता है वो आके खुशियों का होता है, हमदर्दी का होता है, प्यार और मोहब्बत जहाँ पर होता है तो वहाँ पर खुशियाँ होती हैं। इंसान को पैसा ज़रूरी नहीं है, मोहब्बत बहुत ज़रूरी होती है। इससे हमें ये पता चलता है कि मोहब्बत से हम कुछ भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमें हमारे माँ बाप का, भाई बहन का ध्यान रखने वाला होता है। आज भी मुझे याद आती हैं माँ जो कहती थी, वो सारी बातें याद आती थी, और मेरी बहन जो कहती थी वो सारी चीज़ें मुझे याद आती हैं। और हमें ये चाहिए कि सबके साथ अच्छे बन के रहें, अच्छा करें। जब अच्छा करते हैं तो हम याद करते हैं, दुनिया वाले याद करना, जब भी हम चले जाएंगे तो दुनिया से हमें याद करने वाला कोई रहना चाहिए। तो यहाँ की ये नहीं कि सिर्फ अपने आप को देखें बस, वही ना, पैसों से सब कुछ नहीं होता। एक बार घर बनाने के लिए मोहब्बत और प्यार की ज़रूरत बहुत ज़रूरत होती है। हमें ये सीख मिलती है कि एक परिवार में, जब एक परिवार कितना खूबसूरत होता है, कितने अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, उसे हमें कितनी मोहब्बत मिलती है, और उससे हमें माँ बाप की मोहब्बत, भाई बहनों की मोहब्बत कितनी होती है, और साथ ही साथ हमें कैसे जीना सिखा देते हैं माँ बाप, और तहजीब और तमीज़ भी साथ ही साथ। तो लास्ट में जब SLC का एग्ज़ाम हुआ, 10वीं का एग्ज़ाम हुआ, रिज़ल्ट आया अव्वल, कोई भी टक्कर लेने वाला नहीं था मेरी बहन का, और इतनी अच्छी पढ़ाई करती थी वो, इतनी अच्छी पढ़ाई करती थी, और ट्यूशन भी साथ ही साथ लेती थी, और साथ में मैं भी बैठ जाती थी। ज़बरदस्त होता था वो चीज़। तो ये कहानी आप लोगों को कैसे देखी? अगर अच्छी देखी है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इससे अच्छी वीडियो लेके आऊँगी आपके सामने। कमेंट और सब्सक्राइब कर दें, इसी तरह से नई नई वीडियो आपके सामने लेके आएंगे।